Yeah.
कृष्ण हरिओ हरिओ Thank you.
मजाक बेनू प्रभु जी ओ बेनो आ आ जा ठाकुर जी को ठीक है ना ठाकुर हम दोनों ओ हां चलो एड लो भी रख लो ऑर्डर एड आ Thank you.
Yeah.
Thank you.
इसमें देखो ये चाबी किसकी मिल गया है, ये चाबी देख लो, ये चाबी किसकी हो ये चाबी ले लीजिए, देख लो इधर ये किसकी हो। हरे कृष्ण ओ मैं ज्ञानति प्रियादस्त ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचक्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तन्मत्ताय राधाकरावचितबल्लभवल्लरीके লঙ্কা কথা अरे तुम गोटे माइक हरे बोल हरे कृष्ण। आज आप लोग का हरे कृष्ण, आज हम लोग का बहुत बहुत बड़ी भाग्य है जो कि ये श्री गोपीनाथ भवन में राधा गोविंद की झूलण महामहोत्सव को हम मना रहे हैं। ये जो झूलण महामहोत्सव है वो इतने दुर्लभ है, यदि ये इतना दुर्लभ है ये झूलण महोत्सव, यदि जो सौभाग्य आज हमें मिल रहा है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते अवश्य पता है। हरे कृष्ण नाम माल चुप चुप चिंता बढ़िया बात। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो भगवान राधा गोविंद का जो झूलण महोत्सव जो सौभाग्य आज हमें प्राप्त हो रहा है, कहते स्वर्गीय सत्येज कैलासे वैकुंठे नास्ते परस, ये सौभाग्य स्वर्ग में देवता रूप में लेने जन्म लेने पर भी क्या स्वर्गलोक में कोई झूलण झूला दे ठाकुर जी? स्वर्गलोक में कोई झूलण झूला नहीं। बोले स्वर्ग की बात छोड़ दो, कहते सत्यलोक में किया झूलण महोत्सव हो रहा है नहीं हो रहा? बोले सत्य लोग की बात छोड़ दो, यदि क्या सीम लोग में क्या कैलाश में ये झूलण यात्रा हो रही है ना, हो रही है नहीं? कहते उसकी बात छोड़ दो, ये क्या वैकुंठ में भी ये झूलण महोत्सव हो रही है? अरे बोलो हो रही है नहीं है? इसलिए कहते जो सौभाग्य ये वृंदावन धाम में ये मरते जगत में गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हमें जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है वो तो स्वर्ग में भी नहीं, ब्रह्म लोक में भी नहीं, शिव लोक में भी नहीं, यहाँ तक वैकुंठ लोक में भी नहीं, जो सौभाग्य आज हमें श्री गोपीनाथ भवन में प्राप्त हो रहा है।
ये इतने दुर्लभ ये राधा गोविंद की झूलन है। इसलिए विशेष करके जो झूलन महोत्सव हमारे गोस्वामी लोग अलग अलग कभी कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में कहते श्री जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में भागवत में भी कहीं कहीं कहते बड़े सुंदर रूप में ये झूला महोत्सव का वर्णना करते थे। फिर ये झूला महोत्सव तो है ही है, फिर इसको साथ साथ में देखो श्री रूप गोस्वामी के तिरभाव महोत्सव, ये जो 5 दिन है, फिर श्री बलदेव पूर्णिमा है, एक साथ में जैसे गंगा जमुना सरस्वती जैसे त्रिवेणी संगम है, ये समझो हमें भी ये त्रिवेणी संगम प्राप्त हो रहा है, ये त्रिवेणी संगम हमें भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि एक झूला महोत्सव, फिर उसका अंदर में श्री बलदेव विद्याभूषण बलदेव प्रभु का भी जन्म महोत्सव पूर्णिमा में, फिर उसको साथ साथ में ये जो रूप गोस्वामी की तिरुभाव विशेष करके जिसको बड़ी धूमधाम से हमारे गुरुपाद पद्म ये झूलन महोत्सव ये श्री रूप गोस्वामी की तिरुभाव को जो मनाया करते थे, ये हम लोगों के लिए समझो एक देव दुर्लभ वस्तु हम लोगों के लिए, हम लोग बड़े सौभाग्यवान। इसलिए गुरुदेव बड़े भावाविष्ट जब ये लीला आती थी गुरुदेव जी बड़े भाव में डूब जाते थे, जो गुरुदेव को देखे हैं उनको पता है गुरुदेव कितने संतुष्ट होते थे कितने प्रसन्न, क्योंकि हमारे गुरुदेव कौन है कृष्ण लीला में कहते ये रमण मंजरी है, ये रमण मंजरी होने का नाते मंजरिया तो ये कौन करते हैं, ये कुंज की सेवा झूला की सेवा कौन करती है, मंजरिया तो करती है ना। इसलिए गुरुदेव इतने संतुष्ट होते थे इतने प्रेम में विभोर होकर के लीला को वर्णना करते थे। गुरुदेव बोलते थे ये झूला कहाँ होती है कहती है बरसाना, कहाँ होती है ये बरसाना में कहती है। गुरुदेव वर्णना करते थे राधा रानी की शादी हो गई जावट में, अभी राधा रानी जावट में अब देखना कोई ससुर घर में सबके सब मर्यादा में रहते हैं, लेकिन जब अपना पीहर में आ जाती हैं लड़कियाँ पूरा खुला वहाँ पर कोई मर्यादा नहीं, इसलिए वो मर्यादा में रहने का नाते वहाँ पर झूला असंभव है, लेकिन वो झूला कहाँ होती थी कहते बरसाना। अभी राधा रानी जावट में राधा रानी, अभी आ गई श्रावण की महीना, श्रावण के महीना आने पर रिमझिम बारिश होती है, उसको पहले गर्मी का मौसम गई, जब बरसात आती है देखना चारों तरफ में हरियाली हरियाली है कि नहीं, कभी जब रिमझिम बारिश होती है कभी मूसलाधार से बारिश होती है, कोई सुंदर रूप में कुहुकती हैं, कभी मयूर थिरक थिरक करके नृत्य करती हैं। आप देख रहे हैं ना जमुना कैसे लपालो पानी में भरा है, हैं लपालो पानी में भरा हुआ है जमुना, चारों तरफ में एकदम बरसात, और बरसात होने पर क्या होता है जो गर्मी गई बरसात होने पर सभी के हृदय में भी वो ठंडक आ जाती है, रिमझिम हरा भरा वृक्ष हो जाती है। अभी राधा रानी कहाँ पर ससुर घर में, अभी राधा रानी चाहती है मैं कब पीहर में आऊं और गहोर वन में, गहोर वन मतलब क्या जहाँ पर गंभीर है, गहोर मतलब गंभीर, वो गंभीर क्या है बोले राधिका भाव गंभीर, राधा जी की भाव ही गंभीर है, इसलिए उसका नाम गहोर वन है, जहाँ पर स्वयं परात पर तत्व कृष्ण भी अगर कभी वो आते थे कहाँ पर बरसाना में, कभी वो कृष्ण रूप में कभी नहीं आते थे, छुप करके कभी चूड़ी हारिणी कभी पाली हारिणी कभी श्यामा सती रूप धारण करते हुए कृष्ण स्वयं परम ब्रह्म होते हुए भी राधा जी को साथ में मिलने के लिए श्याम सुंदर रूप बदला बदला करके आते हैं। इसलिए बरसाना में दान घाटी देखना, दानगढ़ मानगढ़ विलासगढ़ गढ़ है कि नहीं वहाँ पर, क्योंकि श्याम सुंदर राधा जी को साथ में विहार करते हैं। अभी राधा रानी बड़ी दुखी, क्यों बोले अभी तक श्रीधाम भैया अभी राधा रानी को लेने नहीं आई, अभी राधा रानी को लेने नहीं आई, इसलिए राधा रानी बड़ी गुमसुम बनकर बैठी हुई बड़ी चिंता में, अभी तक श्रीधाम भैया नहीं आए, अभी तक हमें कोई लेने नहीं आए। जब श्रीधाम भैया देर में जाते हैं राधा रानी फूट फूट कर रोने लग जाती हैं, बोले भैया तुमने आने में इतने देर क्यों कर दिया, बोले बहन कोई विशेष काम के लिए मैंने आ नहीं पाया। तब श्री श्रीधाम क्या होता है
श्रीधाम श्री राधा रानी को लेकर के आती हैं बरसाना। जब बरसाना में आती हैं श्री राधा रानी बड़े सुंदर कदम वृक्ष में सुंदर झूला को डाल करके, अभी डोरीलाल प्रभु गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे प्रभु? हाँ हाँ, झूला पड़ रही कदम की डाल, हाँ ब्रज नागरी, इसलिए बड़े सुंदर कदम के डाल में झूला पड़ती हैं और राधा रानी झूला में बैठ करके झूलती हैं। इसलिए हम लोग झूला में झूले होंगे ना, झूले हो झूला में, कौन कौन झूले हो? सब झूले हो। इसलिए गुरुदेव बोलते थे झूला तरह तरह का झूला है, ये जो झूला तरह तरह का है, अब देखना ये झूला की क्या विशेषत्व है। इसलिए जिस समय से राधा कुंड प्रकट हुई, राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट होने पर श्री पौर्णमासी ने वृंदा देवी को आदेश दिया, बोले वृंदे, क्योंकि जो पौर्णमासी देवी ये संपूर्ण जो कृष्ण लीला की पुष्टि करने वाले ये जोगमाया पौर्णमासी देवी, लेकिन उनकी जो मधुर लीला है, मधुर लीला समझती हो, राधा कृष्ण की जो निभृत निकुंज की लीला है, राधा कृष्ण की जो श्रृंगार रस की जो लीला है राधा कृष्ण की, कहती ये लीला को कौन करने वाली ये लीला है, ये लीला को कौन पुष्टि कर? राधायंती महाराज, राधायंती महाराज इधर ऊपर आ जाओ, इधर आ। इसलिए कहते हैं ये लीला को कौन पुष्टि करने वाली है, कहती ये वृंदा देवी, यही वृंदा देवी राधा कृष्ण को निकुंज में मिलाने वाली यही है। कहाँ पर इनकी कुंज बनेगी, कहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होएगा, ये समस्त लीला को पुष्टि करने वाले श्री वृंदा देवी है। इसलिए श्री पौर्णमासी देवी वृंदा देवी को आदेश देती हैं, बोले देखो ये राधा कुंड श्याम कुंड को इतने सुंदर इसका रूप दो, इतने सुंदर बनाओ जैसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्थान ये राधा कुंड और ये श्याम कुंड बने। अभी इनके आदेश पाकर के सुंदर राधा कुंड श्याम कुंड बनाती हैं, जहाँ पर चार तरह का कमल फूल खिला हुआ रहता है, श्वेत कमल, रक्त कमल, सफेद कमल, नील कमल, बड़े सुंदर सुंदर वहाँ पर कमल फूल खिला रहता है, जहाँ पर राजहंस, जहाँ पर राजहंस वहाँ पर विहार करता है राजहंस, और बड़े सुंदर कहते हैं राधा कुंड चिंता मणिमय, राधा कुंड तटता है कुंज सत सत, जहाँ पर राधा कुंड में बड़े सुंदर रूप में चिंतामणिमय जैसे बनाते अद्भुत रूप में, और वहाँ पर विशेष करके श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णना करते हैं राधा कुंड में विशेष करके पांच विशेष लीला होती हैं। कितना लीला होती है, अरे जोर से बोलो, क्या क्या पांच लीला है? हाँ सुन लो, पहला लीला है इनकी कुंज विहार है, इतना सुंदर कुंज बनाती है कौन? वृंदा देवी। कोई कुंज नील रंग का, कोई सफेद रंग का, कोई हरी वर्ण का, किस किसी कुंज बनता है फूल से, कोई कुंज बनता है पत्ते से, और इतने सुंदर कुंज है जब राधा कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं वो कुंज का रंग और राधा कृष्ण दोनों का रंग एक हो जाता है। अगर यहीं पर खड़े होकर कोई कोशिश करे वो अंदर में क्या हो रहा है देखने के लिए देख नहीं सकते, वो केवल गोलोक वृंदावन में ही वो संभव, और कहीं ये लीला संभव नहीं। इसलिए एक कुंज लीला, एक है भगवान की नौका विहार है, एक है उनकी मधुपान, एक है जल विहार, और एक है झूला लीला। विशेष करके राधा कुंड में ये पांच लीला ये राधा कुंड में होती है। ये जो झूला है वर्णना करते हैं, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड गए, और राधा कुंड श्याम कुंड कौन कौन गए? सब गए। अब देख लेना जैसे चारी कोणा में कहीं एक कोने में आम के वृक्ष में झूला झूलती हैं, एक जगह पर झूलती हैं कहते कदम का वृक्ष के ऊपर में, कहीं 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 कदम का वृक्ष में, ऐसे चारी कोणा में तमाल का वृक्ष के ऊपर में बड़े सुंदर रूप में चारी तरफ में झूला डलती हैं। जब राधा गोविंद वो झूला में बैठते हैं, वो झूला में और बीच में अनंग मंजरी की स्थान, ये बीच में अनंग मंजरी, राधा रानी की जो छोटी बहन अनंग मंजरी का स्थान ये बीच में है, वहाँ पर जब ये झूला झूलती हैं, झूला झूलते समय वो झूला का जो प्रतिबिंब पानी के ऊपर पड़ता है, पड़ने पर लगता है जैसे दो झूला झूल रही हैं, एक झूला तो ऊपर झूल रही है और दूसरा झूला कहाँ झूल रही है?
पानी को अंदर में दूसरे झूला झूल रहा है, ऐसे जैसे दो झूला झूलती हैं, और जो झूला झूलती हैं वहाँ पर वर्णना करते झूला का विशेष दो महत्व है। कितना महत्व है? कहते इसमें दो महत्व। बोले क्या महत्व है? बोले पहला महत्व है जब राधा कृष्ण को झूलते हैं झूला में, सखियाँ जोर जोर से झूलाती हैं, जब झूलाती हैं जोर से, इतने में राधा कृष्ण बैठे हुए राधा रानी डर जाती हैं, डर करके श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। जब राधा कृष्ण श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं, सखियों का भावना किया है, कितना जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन और आरती करय ललिता दी सखीगण। इनका जो मूल भावना है कब श्री राधा कृष्ण को जुगल मिलन कराए, खुद मिलने के लिए मंजरिया नहीं चाहती सखियां, ये चाहती है राधा कृष्ण की कैसे मिलन हो, क्योंकि राधा कृष्ण के मिलन से क्या होता है, राधा रानी को अंदर में प्लस प्रसत यदि मुकुंदम राधिकाम तम सखीनाम, जब श्याम सुंदर राधा रानी को आलिंगन करते हैं पर सखियों से मिलते हैं, मिलते तो राधा रानी को साथ में सखियों को साथ में, लेकिन स्वेद कंप असुर कहाँ पर होता है, ये सखी और मंजरियों के ऊपर में होता है, इनको पर होता है, मिलते हैं राधा कृष्ण, लेकिन सारे दिव्य जो चिन्ह हैं ये सखियों को पर प्रतिभात होता है, और जैसे कृष्ण जो आनंद प्राप्त करते हैं करोड़ों गुण तो राधा रानी आनंद प्राप्त करते हैं, राधा कृष्ण को जो आनंद प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुण होता है ये सखियों को, उनको जितना आनंद है उससे ज़्यादा प्राप्त होता है मंजरियों को, मंजरियों को प्राप्त होता है। जब राधा कृष्ण का मिलन हो जाए बास गोपियां प्रसन्न, ये एक है, एक तरह का झूला। दूसरे तरह का झूला कैसे है? दूसरा तरह का झूला है जैसे दो झूला, एक में श्री किशोरी जी बैठती हैं और एक में श्री श्याम सुंदर बैठते हैं झूला में। जब बैठते हैं जैसे राधा रानी जब ऐसे झूलती हैं और कृष्ण कभी कभी ऐसे झूलते हैं, राधा रानी ऐसे और कृष्ण ऐसे झूलते, जब झूलते हैं इतने में राधा रानी जब ऐसे झूलती हैं, इतने में राधा जी का जो चरण है, कृष्ण ऐसे झूलते हैं, झूलने पर राधा जी का चरण ऐसे हो जाती है, होने पर क्या होता है, राधा जी का जो चरण दर्शन श्री श्याम सुंदर होता है, राधा जी का चरण दर्शन श्री श्याम सुंदर का राधा जी की चरण दर्शन होती है। कहते राधा जी की जो चरण है वो इतने दुर्लभ है, देखो श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, बोले ब्रह्मेश्वरादि सुदुरुह पदारविंदम श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। प्रबोधानंद सरस्वती कहती हैं राधा रानी के चरण इतने दुर्लभ है, भैया ब्रह्मा के लिए भी चरण दुर्लभ है, ब्रह्मा भी जो बरसना क्या है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जब राधा रानी की आराधना की, जब राधा रानी प्रसन्न हुई बोले क्या चाहते हो, बोले आपके चरण की सेवा चाहता हूँ। हरि बोल। बोले किस रूप में कि हाथ खुजल बोलते हैं, तुम्हारे हाथ में खुजल मच रही क्या, एक तरह से लगा पहले जैसे था, ज़्यादा घुमा मत, हरि इसलिए पहले जैसे था, इस लोगों जैसे पहले था इसे लगाओ, इसलिए यहाँ पर बताए कहते राधा जी की चरण इतने दुर्लभ है, इको काम कर दो, इतना दुर्लभ राधा जी की चरण है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश राधा रानी की तपस्या की, जब राधा रानी संतुष्ट हो गई बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु आपके चरण की पहले जैसे था ऐसे कर दो, पहले जैसे था ऐसे करो, तुमको सुना नहीं पड़ता है हा? हरे कृष्ण भागवत महाराज कम है, इसलिए कहते श्री कि जिस समय क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हारे, पहले जैसे था ऐसे लगा दो, हरे कृष्ण हरी आवाज आ रही, जब कथा हो ना एक तरह का ज्यादा छंटाट नहीं करना, ठीक है, अरे कौन सा महाराज हम तो यहाँ बैठे, हरे कृष्ण, इसलिए कल भैया तुमको क्या वरदान चाहिए पहले जैसे कर दो, कहते क्या वरदान चाहिए तुमको, देखो ये ब्रज कितना दुर्लभ है और राधा रानी के चरण कितना दुर्लभ है, तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कहते बोले रही राधा रानी आपकी अगर हम ब्रज में
अगर कोई पहाड़ बन करके अगर जन्म हो जाए, कोई पहाड़ पत्थर रूप में अगर जन्म हो जाए, अगर आपकी चरण की सेवा मिले धन्य हो जाएंगे। इसलिए स्वयं शंकर जी राधा रानी के चरण को प्राप्त करने के लिए ये नंदगाम रूप में प्रकट हुए। स्वयं ब्रह्मा जी राधा जी के चरण को प्राप्त करने के लिए बरसाने रूप में प्रकट हुए, ये ब्रह्मा जल पर्वत है। स्वयं विष्णु राधा जी के चरण को प्राप्त करने के लिए ये श्री गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए। इतने राधा जी के चरण के दुर्लभ, इसलिए कहते ब्रह्मे स्वरादि, स्वर मतलब शंकर जी, शंकर जी के लिए भी दुर्लभ है और उद्धव के लिए भी। उद्धव भी क्या कहते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसा महंस्यांग वृंदावन किमपि गुलमलता औषधिनाम। इसलिए ये भी गुलमलता औषधि वृक्ष के रूप में उद्धव भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं भैया ब्रह्मा विष्णु इनके लिए तो छोड़ दो, कभी कभी राधा जी की जो चरण है ये श्री कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है, कृष्ण के लिए भी दुर्लभ होता है। अगर राधा रानी, अगर राधा रानी कभी मान कर लेना, कभी राधा रानी मान कर लेती है, राधा रानी श्याम सुंदर स्वयं कहते जत की करिस बहु स खलु काग बानी, थोड़ी सी तेज और थोड़ा ज्यादा कर दो, कर रखा है हरे कृष्ण। इसलिए वो बंद कर दिया, हरे कृष्णा। इसलिए अगर कहते जत की करिस बहु स खलु काग बानी, अगर राधा रानी कभी अगर सेवा कुंज जहाँ पर हम बैठे, अगर यहाँ पर कभी राधा रानी अगर माननी हो करके राधा रानी बैठ जाती हैं और जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर कहते राधा जी की दर्शन तो दुर्लभ है ही है, कहते कभी कभी उनकी सखियों को पास में भी जा करके कृष्णा प्रार्थना करते हैं भैया थोड़ी किशोरी जी की राधा रानी की थोड़ा दर्शन दो। ऐसे राधा रानी के चरण की दुर्लभ किसके लिए, अरे बोलो किसके लिए, कृष्ण के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए ये झूलण का विशेष महत्व है, ये जो दुर्लभ चरण है, कहते ये जो चरण है श्री श्याम सुंदर ये चरण को पाने के लिए भी तरसते हैं। इसलिए जब श्री राधा रानी ये झूला में ऐसे झूलती हैं और श्याम सुंदर जब ऐसे झूलते हैं उस समय श्री श्याम सुंदर किसका दर्शन होता है, श्री राधा रानी के चरण की दर्शन होता है। ये झूला महोत्सव है, ये झूला महोत्सव की इतने महत्व है श्री झूला महोत्सव की। इसलिए श्री रूप गोस्वामी भी ये चाटू पुष्पांजलि में भी वर्णना किए हैं, बोले बेणी ब्यालांगिनी फणाम, जिसमें श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखे जिसका नाम चाटू पुष्पांजलि, जिसमें राधा रानी की बड़े सुंदर उन्होंने श्रृंगार की वर्णना करते हैं। जब राधा जी की श्रृंगार को वर्णना की और उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को दिया, बोले भैया मैंने राधा जी की श्रृंगार की वर्णना की, अभी देखो तो ये ग्रंथ कैसे हैं, ये सही बना कि नहीं। इसलिए इसको देख करके श्री रूप गोस्वामी की सनातन गोस्वामी बोले हे बच्चो हरे कृष्ण इधर आ, यहाँ बैठो कुछ बात करना। इसलिए जब सनातन गोस्वामी को दिया है, अभी श्री सनातन गोस्वामी ये ग्रंथों को पढ़ करके बोले देखो भैया तुम राधा जी का तो श्रृंगार बहुत सुंदर वर्णना किया है, लेकिन एक श्रृंगार मेरे को मन को अटपट सा लग रहा है। बोले कौन सा श्रृंगार, बोले तुमने राधा रानी का जो केस है बेणी है, वो बेणी को तुमने किया उदाहरण दिया बेणी ब्यालांगिनी पड़ा, मतलब जो बेणी है काला नागिनी के बराबर है, है? बेणी कैसे होता है, सांप कैसे होता है, सर मोटा पीछे छोटी पतली होती है, इसलिए उन्होंने तुमने कहा राधा रानी कहा प्रेम स्वरूपिणी जिसको कहते वैदग्ध सिंधु रनुरागय का सिंधु लावण्य सिंधु रतिसार कृपाई का सिंधु श्री राधिक स्फुरत में हृदय खेल सिंधु, जैसे सप्त समुद्र है और राधा जी के अंदर में भी ये सारे समुद्र विद्यमान, सारे समुद्र श्री राधा जी के अंदर में विद्यमान,
कहाँ राधा रानी प्रेम स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी रसोर स्वरूपिणी श्री राधा रानी। लेकिन तुम्हें उदाहरण किसको साथ में दे दिया, कहते काला नागिनी को साथ में, जहाँ जहरीले सर्प है। कहते भैया अगर इसको थोड़ी सी चेंज हो जाता है ना, लगता है बढ़िया हो जाता। लेकिन ये रूप गोस्वामी कौन है, वो साधारण कभी नहीं है, ये अपराकृत कवि है। हैं कहते प्रेमा जन छुरित भक्ति बिलोचने न संत सदैव हृदय सुबिलोकयत। साधु लोग ऐसे कोई चीज को नहीं लगते हैं। कहते प्रेम रूपी अंजन को लगा करके तब उन्हें अपना दिव्य दृष्टि से जो चीज को देखते हैं वही चीज को ये साधु लोग लिखते हैं। ऐसे नहीं मन में कोई चीज आया और लिख करके रख दिया, ऐसे साधु लोग नहीं है। इसलिए उन्होंने जैसे लीलाओं को देखा है ना, तो उन्होंने वैसे ही लीलाओं को उन्होंने लिखा है, हैं? वैसे ही लीला को देखा। अभी सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, परिक्रमा करते करते जब राधा कुंड में आए ना, देखा वहाँ भी श्रावण की महीना रिमझिम बारिश हो रही है, और वहाँ पर भी देखा एक सुंदर कदम का वृक्ष में एक झूला डला हुआ, और जिसमें एक बड़ी सुंदरी किशोरी जो झूला में बैठी हुई, और अगल बगल में कुछ सखियाँ उनको झूला रही थी। जब झूला रही थी और राधा रानी का जो चोटी है वो तीन चार उन्होंने चोटी बनाया, और राधा रानी का केस कहाँ तक, बोले सर से लेकर के प्यार तक उनकी चोटी है। जब झूला के ऊपर में बैठी हुई जब ऐसे झूल रही थी ना, झूलते समय राधा रानी की जो चोटी थी वो भी ऐसे ऐसे चोटी में ऐसे ऐसे झूल रही थी। लेकिन ये दूर से लग रही थी, क्या लग रही थी दूर से, जैसे कुछ राधा जी को सखी को पीठ के ऊपर में तीन चार काला नागनी सांप जैसे उनको पीठ ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसे लग रहा था। और राधा रानी झूल रही थी। अभी इसको देख करके राधा वो जो सनातन गोस्वामी बोले लाली लाली तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, ये लाली को पीछे तीन चार सांप चढ़े हुए हैं। इतने में सनातन गोस्वामी दौड़े, जब दौड़े वो बीच में जो राधा रानी कौन थी, राधा रानी थी। जब दौड़े ना इतने में राधा रानी उनको तरफ में देखे और थोड़ी सी मीठी मीठी हंस दी, और हंस करके वहीं पर लीला अंतर ध्यान हो गया। सनातन गोस्वामी बोले मैंने एक स्वप्न देखा ना, सचमुच से कोई चीज हमने देखा है। इतने में याद आया, अरे श्री रूप गोस्वामी ने ये चाटू पुष्पांजलि में जो उन्होंने लिखा है राधा रानी की बेणी कैसे है, वो ब्यालांगिणी मतलब सर्पणी नाग काला सांप जैसे, हाँ ये चीज को राधा रानी प्रमाणित करने के लिए दिखाने के लिए देखो श्री रूप गोस्वामी ने जो लिखा है वो झूठ नहीं वो सही है, इसको प्रमाणित करने के लिए राधा रानी स्वयं आज मुझे दर्शन प्रदान किया। राधा रानी मुझे दर्शन प्रदान किए वो खुश हो गए और आए, और उन्होंने आ करके श्री रूप गोस्वामी बोले रूप तुमको ये ग्रंथ बदलाने का कोई जरूरत नहीं, आज तुम्हारी कृपा से आज श्री किशोरी जी के मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। इसलिए इतने ये झूला लीला की महत्व है। इसलिए कभी कभी कृष्ण केवल राधा जी को साथ में बैठते इस नहीं, कभी कभी वो ललिता को साथ में भी झूला झूलते हैं। हम लोग गए हो गए कहाँ पर, नंदगांव में ललिता कुंड में गए हो, कौन कौन गए ललिता कुंड में, वहाँ पर भी कृष्ण को भी ललिता की अभी भी वो झूला देखोगे, हैं वहाँ पर भी झूला देखोगे, कभी कि वहाँ भी एक झूला डला हुआ है। कभी वहीं पर श्री ललिता क्या कर रही थी, कृष्ण के लिए माला बना रही थी, कभी बढ़ जाती है कभी छोटी हो जाती है। नारद जी पहुँचे बोले तू क्या कर रहे हो, बोले श्याम सुंदर के लिए माला बनाती हूँ। लेकिन ये माला बनाती बनाते इतने आविष्ट हो जाती है माला बनाते बनाते, और जब खत्म होता है ना देखो तो बड़ी हो गई, फिर जब काट देती है देखो छोटी हो जाती है। इतने में नारद जी बोले ये कट छोटी बड़ी क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तो पास में ही कृष्ण है, ये कृष्ण को बुला करके उनका साइज के बना दो ना। बोले ठीक है। इतने में वहां पर गए और श्री नारद जी किसको बोले, ललित श्री कृष्ण को बोले, बोले देखो श्री ललिता तुम्हारे लिए बड़े सुंदर माला बना रहे हैं लेकिन कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है, इसलिए तुम जाओ। और वहां पर कृष्ण आ गए,
और कृष्ण आ गए और कृष्ण को झूला में बैठाया और श्री ललिता भी झूला में बैठी। जब झूला में बैठ रही ना, चले गए बरसाना फिर राधा जी के पास। लेकिन नारद जी हर समय भजन गाते हैं, क्या है बोले नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमण नाम हरि नाम अमनि उदिता है भक्ता गीत सामे नारद मुनि बाजाए बिना। ठीक है, राधिका रमण नाम। इसलिए श्री नारद जी हर समय जो बिना बजाते हैं और राधिका रमण नामे राधा रमण बोल करके बिना बजाते हैं। लेकिन आज तक नारद जी बिना बजा रहे थे, क्या ललिता रमण ललिता रमण। इतने में राधा रानी बोले नारद जी क्या हो रहा है, ये गड़बड़ी क्यों कर रहे हो, तुम तो राधिका रमण नाम पर तुम गाते हो, आज ललिता रमण क्यों बोल रहे हो। भैया मैं तो नारद हूँ, जैसे देखता हूँ वैसे बोलता हूँ, जैसे मैं देखता हूँ वैसे। बोले क्या देखा, बोले मैंने देखा कृष्ण ललिता को साथ में झूठते हुए, इसलिए कहता हूँ ललिता रमन ललिता रमन। बोले कहाँ पर, बोले चलो दिखाता हूँ। तब वहाँ पर गए और उन्हें दिखाया। जब दिखाया इतने में ललिता तो कांप उठी, कृष्ण कांप उठे, बोले ये ललिता को कैसे पता चला हम यहाँ पर, ये राधा रानी को कैसे पता चला ललिता कृष्ण है। उतने में डर गए, जब डर गए इतने में श्री पूछे भैया तुमको किसने बताया, बोले नारद जी ने बताया। बोले ये नारद जी बड़े लड़ाई लगाने वाले, हमको यहाँ पर बैठा कर जहाँ पर वहाँ पर शिकायत कर दिया, हाँ वहाँ पर चुगली कर दिया। इसलिए कृष्ण कभी ललिता को साथ में और कभी कभी कृष्ण चंद्रावली को साथ में भी कृष्ण कभी कभी झूला झूलते हैं, विशा को साथ में कभी कभी झूला झूलते हैं। इसलिए ये जो झूला लीला है ये एक श्रृंगार रस की लीला है जो कि राधा कृष्ण को मिलन कराने वाले और बरसाना में श्री श्याम सुंदर कैसे बरसाना में आते थे और राधा रानी वहाँ पर श्री किसको साथ में, कृष्ण को साथ में बड़े सुंदर ये झूला झूलते थे। इसलिए झूला जो लीला है हमारी संप्रदाय के लिए एक मधुर एक दिव्य और एक अप्राकृत लीला श्री राधा गोविंद को झूलन यात्रा है। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो श्री गुरुपाद पद्म ये लीला को बड़े सुंदर रूप में ये लीला को वर्णना करते थे और पालन करने के लिए करते थे और उसी परंपरा में अभी हम भी कोशिश करते हैं जैसे झूला लीला को हम अनुसरण करने के। ठीक है, अभी यहाँ पर बीच में हमारे बहुत वैष्णव लोग हैं, ये लोग भी थोड़ी थोड़ी ये झूला लीला के ऊपर में सुंदर सुंदर कथा सुनाएंगे, हम इनसे वैष्णव सुनेंगे ये झीला लीला के ऊपर में। ठीक है, हम यही बोल करके कथा को विश्राम देता हूँ। बांछा कल कृपा पावने को वैष्णव को नमो नमो पर बोल उमा दीदी एक बोलवे अरे कोई चिंता नहीं महाराज आप समय कथा में समय नहीं देते इसलिए आप अपने को बोलवे अपने को उमा दीदी माइक दे सबसे पुराना वैष्णव अरे कोई आरती पर चिंता मत करो आरती दिन में करो कौन बोले हाँ देखो हमारे लिए उमा दीदी है ना ये सबसे अधिक पुराना है गुरु जी को बड़ी सेवा केवल गुरु जी के नहीं हमारे जितने वैष्णव होते हैं बोलते थे कि हम उमा दीदी करते हैं तो उमा दीदी समोसे बनेंगे ये बहुत बड़ी समोसे टोप बनेंगे हमने नहीं खाए समोसे इतने बढ़िया बढ़िया प्रसाद मिलाते थे सब लोग घर में जाने के लिए तरस रहे थे उमा दीदी को घर में जाए तो प्रसाद खाने और इन्होंने जब आए इनकी उनको जो दहेज मिला करता था कितना कितना तोला सोना था आरती के टाइम में आरती करें अभी तो हाँ अभी तो शुरू हुई है सभा सब कुछ गुरुजी के हाथ में सब कुछ गुरुजी के हाथ में अगर बेकार बेकार बात मैंने संपूर्ण प्रीति जोगा नहीं उमा दीदी आप सुने होंगे सारा दुनिया को उसने
गोस्वामी को प्रशंसा करो ना मेरा अगानतिरंजस ज्ञानांजन सदा चक्षुन्मीलित येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुरङ्गतें गिरि यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुतिनतारिणीं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वज्ञे मदीयो परम आराध्यतम दीक्षागुरु एवं भजन शिक्षागुरु दीक्षागुरु भक्तिवेदांत बामन नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज मेरी शिक्षा गुरु भजन शिक्षा गुरु नित्य लीला वैष्णव विष्णुपाद अष्टतर शत भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज उभय अहोय चरण कमर में असंख्य असंख्य अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनको अहेतुकी का कृपा का जांचा करते हैं। कितना बजे जाएंगे ठीक से बताइए। वहाँ पर सारे हम तो हर समय जल्दी जल्दी जाते थे लेकिन इस बार वो बोले 8:30 बजे खुली ठीक 8:30 बजे इसलिए हम लोग महाराज हम लोग सतरे के पर सुना है 8 बजे पालन है टाइम यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग प्रसाद डालते हैं आप लोग कल यहाँ पर सवेरे सवेरे यहाँ पर 6 बजे मंगला के बाद में यहाँ 6 बजे आ जाइएगा 6 बजे के बाद में हमारा कीर्तन और होगा तो यहाँ पर हमारे स्वामी की थोड़ी सी कथा हम सुन लेंगे सुन करके फिर हम लोग जाएंगे ठीक 8 बजे यहाँ से कीर्तन जाएंगे ठीक है 8 बजे कीर्तन करते हुए जाएंगे उनकी समाधि और उनका भजन ऊपर वहीं पर उनसे आरती करके वहाँ का समय होगा तो थोड़ी सी वहाँ की कथा सुन लेंगे गुरु संग कौन है क्यों आए क्योंकि कितना महत्व है कैसे सुन लेंगे सुन करके फिर कल हम लोग पहले आज व्यक्ति यहाँ पर फिर दोपहर में सुबह इसमें हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर 10 बजे आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा आने पर यहाँ पर बैठ करके हम फिर वैष्णव लोग जो बाहर से आएंगे फिर उसके बाद प्रसाद को करने और उसके बाद जो है शाम को आप लोग सबके साथ चाय हो जाए कितना बजे फिर हम एक बात सुनो उस समय में कोई इधर उधर घूमने नहीं जाए दर्शन के लिए नहीं जाए कि गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति हरि कथा छोड़ करके इधर उधर घूमते हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा पिछले आत्मा से आप हरी काम कर इसलिए भागवत में कहते हैं जिनको कथा की रुचि नहीं केवल घूमने में रुचि है कहते सब उसको जीरो हो जाता है कोई इसका फल नहीं कहता जहाँ पर वैष्णव लोग और गुरुदेव बैठ के कथा सुनते हैं वहाँ जाकर के उसके शरीर को उधर दूर हो जाते नहीं इधर उधर नहीं घूमनी चाहिए हर कथा में बैठनी चाहिए ठीक है ना इसलिए कहीं नहीं कहना जिस समय बीच में छुट्टी जिस समय हर कथा नहीं होती है उसी समय में जाकर के क्या करो घूमघाम के दर्शन कैसे आए ठीक है और जिसमें कथा होगी कहीं भी नहीं जाना सबके सब कथा में बैठ के कथा सुनना ठीक है आज बहुत ही मंचस्थ मेरा सशित्र गुरु भ्राता परम पूज्यवार सब कौन चरण में हम उनको असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ
विशेष करके आज बहुत पवित्र और शुभ दिन है। आज आए माधव तिथि, एकादशी तिथि। हमारा भक्ति विनय ठाकुर ने बताया, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोरी परम आदरे बोरी। आज का तिथि में क्या नाम है, माधव तिथि बा एकादशी तिथि, जिसमें कृष्ण एक तिथि में शक्ति का शक्ति एकादशी है, उनको साथ हमेशा वो वर्तमान रहता है। कृष्ण बसती बसती बोरी परमे आदरे बोरी, इसके लिए एकादशी तिथि परम आदर आदर को साथ हम लोग को पालन करना चाहिए विशेष करके। अरे एकादशी तिथि उपलक्ष होने के काल है हमारा संप्रदाय जो भक्ति हमारा रूप गोस्वामी का तिथि है, तिरुभाव तिथि। गुरुदेव जब से रूप सनातन गौड़ीय मठ स्थापन किया है वहाँ कितना दिन से वहाँ चलता है, कोई कारण से इस साल कुछ अलग से हुआ है, तो यही रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि में हम लोग योगदान करते हुए हम लोग का जीवन का गुरुदेव कितना रूप गोस्वामी के लिए कहा करते थे। तो आज एकादशी तिथि का संबंध हम कहते हैं, एकादशी तिथि हम लोग को अत्यंत तो प्रेम से पालन करना चाहिए, क्यों ना शास्त्र ने बताया कि ये एकादशी तिथि माधवती थी। अरे माधवती थी में भक्ति का जननी है, ये है भक्ति का मदर ऑफ द माने माँ, भक्ति का माँ है। तो ये एकादशी तिथि तो पालन करेगा तो उसमें क्या होता है, उनके हृदय में भक्ति, जिसको भक्ति पाने का लालसा है वो भक्ति एकादशी तिथि यथातथ रूप में पालन करेंगे। तो एकादशी तिथि पालन करना सबको, ये तो हम लोग को जानते हैं एकादशी तिथि पालन करना, और विशेष करके काल गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है उस समय भी कुछ रूप गोस्वामी का संबंधी कुछ बोलना तो बहुत मुश्किल है, उनको महिमा संबंधी बोलना उनको समान समान लेवल में ना पहुँचना तो उनको महिमा बोला नहीं जाता है। तो भी वैष्णवेर गुणगान करी जे जीवित प्राण, एक कथा अनुसार में उनको कथा बोल के अपना जीवा एवं हृदय को संशोधन करने के लिए जो गुरु वैष्णव का मुख से श्रवण किया है उनमें उसको वर्णना करना चाहिए। और विशेष करके रूप गोस्वामी जो साधन कर रहा है साधक साधिका रे बहुत हेल्पफुल है, क्यों ना उनको उपदेश में तो भक्ति मतलब का है, साधन क्या मतलब है, किसको साधन कहा जाता है, भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति करने से किसको, तो देव देवी का भक्ति, देश का भक्ति, माँ पिता पाता को भी भक्ति शब्द हो, लेकिन भक्ति शब्द केवल मात्र कृष्ण के लिए प्रयोज्य है। ये हमारा भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद उन्होंने बताया, तो भक्ति शब्द जो है ये कृष्ण के लिए। तो भक्ति आबार कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा स्वरूप मिश्रा, किंतु किसको भक्ति कहेंगे, अन्न विलासा शून्य ज्ञान कर्म नाम अनुकूल न कृष्ण अनुसूरण भक्ति उत्तमा। हाँ कितना भक्ति का डेफिनेशन है, भागवत में है, नारद पंचरात्र है, पराशर मुनि का है, लेकिन किसी में परिष्कार रूप में बता नहीं किसको भक्ति करना चाहिए। इसी के नो इसी के सो सेवा रहा हाँ परानुरक्ति भक्ति ईश्वर है, ईश्वर कौन ईश्वर नाम नहीं है, लेकिन हमारा भक्ति विनय ठाकुर हमारा रूप गोस्वामी ने परिष्कार बताया कृष्णे भक्ति कृष्णे भक्त अनुशीलन हाँ अन्य विराग सुन्न गुरुदेव इसके लिए कितना व्याख्या हम लोग के बात किया है, किसको अन्य विलासा कहता है, किसको और कैसे भजन करना चाहते हो तो कैसे उपदेश स्वामी, तो रूप गोस्वामी शिक्षा में एक साधु साधिका
भी अपना उपकृत होता है। आबार एक साधक जब सिद्धि भूमिका पहुँचे उसमें भी रूप गोस्वामी रूप मंजूरी से भी उनको सहाय करते। लेकिन रूप मंजूरी जो सिद्ध लोक में है, रूप मंजूरी में रूप गोस्वामी नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी में रूप मंजूरी है। गुरुदेव कितना सुंदर सुंदर हम लोग को सुनाने के लिए विद्वत वैष्णव पंडित लोग को बुलाते, कुछ सुनो कितना सब विचार भंगी में नाना दिग्दर्शन एक तरफ से नहीं रूप गोस्वामी के नाना दिग दे। और गुरुदेव अकेली में कितना सुंदर बात करते थे, सबको ही सुना है। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना नहीं चाहती, क्यों ना हम चाहते हमारा सोनातरी प्रभु जी काल का बात काल है, आज का तो बात आज का बात ना। अरे आरती का भी ख्याल रखिए, नियम जो है तोड़ना नहीं है। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिव्राजिकाचार्य भक्ति विधान नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंच पर आसीन हमारे सन्यासी वृंद, वैष्णव वृंद, उमा दीदी, सब वैष्णवों वैष्णवी के चरणों में मैं दरबार प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्यपाद श्रीधर महाराज बड़े सुंदर रूप में उसे झूलन लीला के बारे में बात कर रहे हैं। क्या ये झूला स्वर्ग लोक में है? नहीं है। क्या ये झूला सतलोक तक ब्रह्म लोक में? नहीं है। उन्होंने ये बोला। क्या ये झूला शिव लोक पे है? नहीं है। क्या ये झूला अयोध्या में सीताराम जी झूलेंगे? ऐसा नहीं है। वो एक स्वकीय रस की लीला है। झूला एक संभोग लीला के उत्कर्ष को बता रहा है। प्रेम की दो चाल होती हैं, एक होता है संभोग और एक होता है विप्रलंब। ये एक संभोग की लीला है जिसमें राधा और कृष्ण प्रिया और प्रियतम का मिलन है। अब कहते हैं भाई विप्रलंब का अपना, जिसमें प्रिया और प्रियतम का विच्छेद हो गया, अलग हो जाते हैं, तो प्रेम दो चालों से चल रहा है। ये संभोग की लीला जिसको झूलन लीला बोला। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ जिसमें कहते हैं कि ये क्या झूलन लीला ब्रज में सबको पता है। ये यशोदा मैया झूलन लीला में आएंगी जहाँ पे राधा जी और सखियाँ बैठी हैं, वहाँ पे भी झूलन उनको नहीं पता चलेगा। उनको ये भाव हो सकता है लेकिन उनका प्रवेश भी नहीं है। तो क्या बात करें हम साकेत अयोध्या की, क्या हम बात करें वैकुंठ की, क्या हम बात करें उस ब्रज में भी, कि इसमें किसका प्रवेश है। राधा कृष्ण लीला होए अति गूढ़तर। राधा कृष्ण लीला एक बहुत ही गुहितम चीज की बात हम कर रहे हैं और उसमें भी उनकी हिंडोल लीला, हिंडोल लीला मतलब ये झूलन लीला, कि हम उसकी बात करनी शुरू करें तो क्या ये शिव जी को जब सखियों तक में यशोदा मैया उनका प्रवेश नहीं हो रहा है इस झूलन में, तो ऐसी क्या विशेषता है। अभी महाराज ने एक दूसरे तरह का झूला बताया था जिसमें कृष्ण अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं राधा जी के चरणों के दर्शन करके। चरण तो दर्शन कर रहे हैं लेकिन राधा जी के वस्त्रों से ही जो हवा निकल रही है,
जो वायु निकलती है वहाँ से, तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद उस राधा रस सुधानिधि में बोलते हैं, यस कदापि वसनांचलम खेलनोता। अब उनके वस्त्र खेलना शुरू करते हैं, जब झूला झूलना शुरू होता है तो वो वस्त्र भी झूलते हैं। अब वस्त्र जब झूल रहे हैं, उनकी वायु से निकलती है, तो क्या हो रहा है भाई उस झूले में? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या वो कृष्ण झूल पाएंगे? तो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, नहीं वो झूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस हवा को लेके इतने झूल रहे हैं कि उन वस्त्रों से जब निकलती है वो वायु, वो क्या होता है, यस कदापि वसनांचलम खेलनोता। जब उनके वस्त्र खेलन शुरू करते हैं उस हवा से, तो क्या होता है, धन्यपि धन्य पावने न कृतार्थ माना। अपने आप को धन्य से भी ज्यादा धन्य मानते हैं, कृतार्थ माना। योगेंद्र दुर्गम अपि, जो योगियों के भी दुर्गम है। योगी लोग कौन, वो अष्ट याम में अपने आप को डालते हुए वो क्या कहते हैं, अरे ये जो वैष्णव लोग अपने आप को कहते हैं, ये भावुक हो चुके हैं, इनको ज्ञान नहीं है। क्या वो त्रिलोकी नाथ को झूले में झुला सकते हैं? नहीं नहीं, ये कहाँ झुलाएंगे? तो हम कहते हैं धिक्कार है, धिक्कार है उन ब्रह्मवादियों पे जिन्होंने उस त्रिलोकी नाथ की रंगीनियों को नहीं देखा और कह दिया ये ब्रह्म है। ये ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म होता है जिसका कोई रूप नहीं है, जो सब जगह है, हर कण में है, इसको बोलते हैं ब्रह्मवाद। तो कहते हैं अब सुखदेव गोस्वामी इनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, श्रीमद् भागवत में इनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। कहते हैं अरे भाई, न च अंतरा न बहिर्यशस्य, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसकी आप कर रहे हैं। और बड़े सुंदर रूप में इन ब्रह्मवादियों को क्या कह रहे हैं, न च अंतरा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जो किसी के अंदर नहीं है, किसी के बाहर नहीं है, जिसके अंदर सब, बाहर और अंदर सारा कुछ उसी के अंदर है, मैं उसी की बात कर रहा हूं। तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, न च अंतरा न बहिर्यशस्य, जिसके बाहर कुछ नहीं वो इतना बड़ा है कि सब कुछ उसके अंदर समा गया, और वो इतना छोटा है कि वो कण कण में घुस गया। तो ब्रह्मवादियों को कटाक्ष कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में दसवें सिकंद में, कहते हैं न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न च अपि अपरम, जिसके आगे कोई नहीं, जिसके पीछे कोई नहीं, अर्थात वो सबसे आगे है और वो सबसे पीछे वही है, सब कुछ ही वो संभाल रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूं भाई। और क्या करते हैं फिर, न च अंतरा न बहिर्यशस्य न पूर्वम न च अपि अपरम नभिश्च अंतर जगतो यो जगत च या, वो जगत को बनाने वाला है और जगत उसमें से निकला है और जगत उसमें समा जाएगा। गोपी को उखलो दामना, कहते हैं भाई तन्मयतात्मजम अव्यक्तम, मैं उसी अव्यक्त की बात कर रहा हूं जो कभी पैदा नहीं हुआ, और वो क्या है, न च अंतरा न च बहिर्यशस्य, मैं उसी ब्रह्म की बात कर रहा हूं जो सब जगह है। तो गोपी को उखलो दामना, कहते हैं यहां पे तो यशोदा मैया ने उसको अपने प्रेम से, जिसका कोई बाहर नहीं अंदर नहीं, जिसका कोई दूर नहीं, सबके अंदर वो होने पर भी, कहते हैं उसी को तो गोपी ने, यशोदा मैया ने बांध दिया। तो कहते हैं नेमम विरिंचो न भवो, मैं न जिसका ब्रह्मा जी को कुछ ज्ञान, न विरिंचो न भवो, मतलब भवानी के पति भवो, शिव जी को भी उसका ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं तब सुखदेव गोस्वामी कटाक्ष कर रहे हैं इन ब्रह्मवादियों को, धिक्कार है, धिक्कार है। तो उसके सीधा ना बोलने के बोलते हैं अहो भाग्यम नंद गोप कसाम, कहते क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उस नंद महाराज के, जितने भी वो सखा रूप में, जितने भी वो दास रूप में, जिसने भी वो सखियों के रूप में, और जो उसमें भी जो गोपियां हैं जो कृष्ण की हर अंतरंग लीला में गई हैं। कहते क्या भाग्य है, क्या भाग्य है उनके जिन्होंने उस त्रिलोकीनाथ जो भारी से भारी है, बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा है, उसको भी अपने प्रेम से आज उस संभोग लीला में उस झूले पे डाल दिया है। कहते हैं धिक्कार है उन ब्रह्मवादियों पे, धिक्कार है उन परमात्मावादियों पे जो कहते हैं अपनी योग सिद्धि से हमने भगवान को पा लिया। तो कहते हैं परमात्मा में ऐसा क्या गुण है, वो रंगीनियां जो है जिसको कहते हैं, जो राम जी में भी नहीं है, ये चार ऐसी रंगीनियों के अंदर ये हिंडोल लीला आती है। जैसे हमारे महाराज बता रहे थे, कहते हैं वेणु माधुरी, ये वेणु राम जी नहीं लेते हैं, ये वेणु किसने ली, वेणु
ली हमारे ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ने। अच्छा, इससे सबसे ज्यादा जलती कौन है? जलती भी गोपियां हैं इससे। और कहती हैं इसमें ऐसी क्या गुण है? तो कहते हैं कि जब ये झूला चल रहा है तो इसमें बंसी हरण बंसरी को चूरी कर लेती है। कृष्ण को रोकती है, अरे भाई कृष्ण ज्यादा जोर से झूला मत जलाओ, मत जलाओ। लेकिन हमारे कृष्ण तो बड़े कपटी हैं, वो अपने अंगूठे से बड़ी तेज झुलाना शुरू कर रहे हैं। अब राधा जी क्या करें, वो उनको डर लग गया है और वो गिरने के लिए तैयार है, और क्योंकि सखी है उनको शर्म आ रही है। लेकिन जरूर सखियां बोलती हैं अरे आराम से चलाओ, लेकिन कृष्ण हमारे और अपने अंगूठे को जोर से तेज करते हुए ऐसा लग रहा है कि अब राधा जी गिर जाएंगी, जोर से उनको पकड़ लेती हैं। यही तो झूला है, यही संभोग लीला है, और यही सखियों के इस लीला का जो हमारा संभोग है इसी के ऊपर विप्रलंब। तो कल हम इसके ऊपर विप्रलंब और संभोग की जो लीलाएं हैं, जो जिस विप्रलंब को रूप गोस्वामी ने बताया, जिस संभोग को, उस परिभाषा को, तो कल एक ऐसा दिन है जिसको हमारी उमा दीदी ने बोला कि ये रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिवस, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव का सबसे चूड़ांत दिन है। जो इस रूप गोस्वामी के इस सिद्धांतों को समझ सकता है वो ही भक्ति और भजन में इस गौड़िया संप्रदाय के धन को समझ सकता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। कल मैं इसलिए सवेरे हम लोग अगर मंगला आरती में आ सकते तो मंगला आरती आ जाएंगे, ठीक है। मंगला आरती के बाद में कन्या हम कीर्तन थोड़ी करके फिर हम लोग अगर ज़्यादा समय बाद थोड़ी कथा सुनेंगे, फिर यहाँ से हम लोग 7:30 बजे राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे और ऊपर जो पूजा करेंगे और वहीं पर थोड़ी सी कथा सुनेंगे, कथा सेवन करके फिर यहाँ वापस आएंगे और यहीं पर प्रसाद कल से आपके लिए सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम प्रसाद यहीं पर, ठीक है, सबके सब 3 टाइम। अभी भी अभी आरती के बाद में प्रसाद आपके लिए यहीं पर मिलेगा, कहीं जाना नहीं, यहीं पर प्रसाद बांट मिलेगा। बोलो झूलन महोत्सव की जय। परमाराध्य तम गुरुपाद भक्त नित्य लाभ विष्ट भक्ति नारायण मुस्लिम महा गुरु महाराज की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने परम आराध्य तुम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्यलाल विष्णु विष्णुपाद शुद्ध शिष्य भक्ति विधान से नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि चरण नमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गुरुवर्गजन मंचासीन समस्त सन्यासी वृंद वैष्णव वैष्णवी परमाराधनीय उमा दीदी और समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा पिताजी के धन प्रणाम। हम लोग परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म के बहुत ही प्रिय और जिसको वे अत्यंत आविष्टता के साथ जिस स्थिति को मनाते हैं मनाते थे, ये झूलन महोत्सव साथ में श्रीरूपानु श्रीरूप गोस्वामी पाद जी के तिथि तिरुभाव तिथि वो हम लोग श्री गुरुदेव के अनुगत्य में और हमारे पूजनीय भक्ति वेदांत श्री वन महाराज जी और पूजनीय भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग श्री गोपीनाथ भवन में पालन कर, बड़ा ही सुंदर तिथि है। विशेष करके एकादशी भी है और श्री झूलन महोत्सव,
श्री गुरुदेव कई बार कहते थे बड़े ही मधुर कंठ से, बड़े ही मधुर शब्दों में कि ब्रज में सावन का महीना और चारों तरफ से रिमझिम बारिश हो रही और घुमड़ घुमड़ के बादल गिर रहे और ब्रज की जितनी गोपियां हैं सभी अपने मायके जाती हैं। आज भी यही प्रथा पूरे सावन के महीने में जाते हैं और सावन में झूला पड़ता है, पूरे ब्रज में पड़ता है। तो ठीक है, वैसे ही समस्त गोपियां जो हैं ब्रज में चली गई, जो अपने मायके सब चली गई, किंतु श्री राधा जी को लेने के लिए बरसाने से कोई नहीं आया। तो श्री गुरुदेव बड़े ही सुंदर रूप से कहते थे कि उस समय राधा जी जो हैं बड़े दुखी होकर के सोचने लगी, क्या मुझे सब भूल गए, शादी करके दे दिया तो बस पिंड छूट गया, हाँ तो मेरा याद भी नहीं है, अच्छा बाबा को याद नहीं है मेरा, अच्छा चलो कम से कम श्रीराम भैया तो मुझे लेने आ ही जाए, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार दिन रात मन में व्यथा और मन में वेदना लेकर के बड़े ही चटपटाहट सी स्थिति है श्रीमती राधा रानी, तो दिन ब दिन सहन नहीं हो रहा। नहीं जाएगा दिन ब दिन जो है सहन नहीं हो रहा। तब सूचना मिली कि श्री राम जो है बड़ा ही सुंदर रूप से बैलगाड़ी सजा करके यावट पहुंच रहे हैं और श्री राम को देखते ही जो है श्री राधा जी से रहा नहीं जाता है, बड़े विलग विलग के रोती हैं और कहती हैं श्री राम से, क्या देरी किस बात, क्या मुझ बहन को भी भूल गई है। बड़ा ही मनोहर दृश्य है और श्री राम कहते नहीं नहीं बहन, मैंने बिल्कुल तुम्हें नहीं भूला, बस कुछ जरूरी काम था जिस वजह से थोड़ी सी देरी हो गई, विलंब हो गया। इस प्रकार से भाई और बहन के बड़े सुंदर मिलन श्री गुरुदेव का के द्वारा वर्णन होता था और उसके बाद बैलगाड़ी में बैठकर के श्री गुरुदेव कहते थे, जैसे गांव के महिलाएं बड़े सरल चित्त से रो पड़ती है, तो राजा जी भी पूरे रास्ता वो अपने बाबा अपनी मैया कीर्तिदा देवी सबका चिंतन करती हुई जा रही है रास्ते में और बीच में श्री कृष्ण का भी स्मरण हो रहा है कि पता नहीं वहाँ कृष्ण से मिलन हो भी पाएगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, पूरी रास्ता कृष्ण की सेवा कैसी होगी, कृष्ण का चरणों का दर्शन किस प्रकार से होगा, यही चिंतन करती हुई देखते ही देखते बरसाना पहुंच जाती है और श्री विश्वानंद महाराज जी के पास दौड़ती हुई जाती है और दोनों मिलते हैं और पूछती है, क्या शादी करके दे दिया तो मुझे छोड़ ही दिया, भूल ही गए, लेने के लिए भी नहीं आए। और विश्वानु महाराज जी भी सरल बिल्कुल एकदम स्वच्छ चित्त से बिल्कुल बेटी को गले लगा करके रोने लगते हैं, बहुत समय के बाद मिले थे, बहुत समय मानो उनको लगता है न जाने युग बीत गया। और कीर्तिदा देवी मैया भी बड़े ही प्रेम से बेटी को गोद में लेती हैं और बड़ा सुंदर रूप से वहाँ पर श्री बरसाने में विश्वानुपुर में बड़ा सुंदर मिलन महोत्सव होता है। फिर उसके बाद ललिता विशाखा सब सखियाँ वहाँ पर पहुँच जाती हैं और श्री राजा जी को ये सूचना देती हैं कि श्री कृष्ण को हमने पहले से ही संदेश दे दिया कि राजा जी पहुँचने वाले, तो
कहां पर ये मिलन होगा, किस प्रकार से होगा, तो ये सूचना भी दे दिया। बरसाने के जहां पर जो लाडली मंदिर है वहीं पर उनका मिलन होता था। श्री गुरुदेव कहते थे वो महल जो है नीचे होता था, और वहां पर संदेश देने पर श्री कृष्ण जो हैं घूम घूम के वहां पर जिस किसी भी प्रकार से पहुंच जाते हैं। सकिया और विशेष करके रूप मंजरी रति मंजरी सब ने बड़े सुंदर रूप से जो है झूला वो लोग सजा लिया है, सजा लेते हैं पहले से ही। और वहां पर जो है राधा जी को सजा करके ललिता आदि और विशाखा आदि सखियाँ श्री राधा जी को ले आती, और श्री कृष्ण पहले से ही राधा जी की राह देख रहे हैं कब श्री राधा जी के साथ झूला झूलने का सुयोग मिलेगा। और श्री राधा जी भी बहुत समय से चाह रही हैं कृष्ण से बिना बाधा के, क्योंकि यावत में इस प्रकार से सेवा का सुयोग संभव पर नहीं है। दर्शन प्राप्त करना, सेवा करना इस प्रकार संभव नहीं है, प्रेम करना, किंतु यहाँ पर वो बाधा नहीं है किसी प्रकार का भी। ये सोच करके श्री राधा जी भी प्रतीक्षा करती हैं, किंतु जैसे ही झूला और श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं, सब तैयार है, उसी समय बिना कारण के ही राधा जी जो हैं मान कर लेती हैं। तब सखियाँ ललिता विशाखा आदि सखियाँ विशेष करके श्री राधा जी को समझाती हैं, ये वही जो कीर्तन राधे झूलन पधारो झुक झुक आये बदरा, हाँ चारों तरफ से बादल जो है गिर गया है और अब बस बारिश होने की वाला, और देखो सुंदर रूप से झूला भी सज गया है, और श्री कृष्ण भी देखो कितने सुंदर रूप से सज करके तुम्हारे ही राह देख रहे हैं और तुमसे ही मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और तुमने भी जो है 16 श्रृंगार से सज करके तैयार हो गई हो, किंतु किस लिए तुम झूला पे नहीं जा रहे। तो तरह तरह से श्री राधा जी को मना रहे हैं कि श्री कृष्ण तुमको ही चाहते हैं, तुम्हारे ही वो रास्ते देख रहे हैं, दूसरा किसी की तरफ भी वो नज़र नहीं डाल रहे हैं। इसलिए श्री हाँ श्री ललिता विशाखा सब तरह तरह से श्री राधा जी को जो है समझा रही है, और उनके मान जो है उसको दूर करने का प्रयास कर रही हैं, और श्री राधा जी को मना करके श्री ललिता विशाखा रूप रति मंजरी सब राधा जी को झूले पे ले जाती है, और राधा जी का मिलन श्री गोविंद देव से कराती हैं। तब जो हैं बड़े ही सुंदर रूप से दोनों का झूला झूलता है, सखियाँ मंजरियाँ चामर डुलाती हैं दोनों साइड में, और बड़े धीरे 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 झूला जो है वो झूलता, और कृष्ण के ये इशारे को समझ करके झूला जो है अब धीरे धीरे तेजी से झूलने लगता है, इतने तेजी से झूलता है। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं श्री कृष्ण जो चाहते हैं, कृष्ण की जो मनोवांछा है जो दूसरी दूसरी लीलाओं में जो उनको प्राप्त नहीं होता है, वो मनोवांछा श्री झूला लीला में श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है, इतनी तेजी से झूलता है श्री राधा जी का संग श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से झूले भी कई प्रकार का है, यहाँ जिस प्रकार से जो झूला लगाया गया एक साथ ही राधा और गोविंद देव का है, इसमें एक प्रकार की लीला है, और एक प्रकार की झूला है जिसमें कृष्ण और राधा जी आमने सामने को बैठते हैं, वहाँ एक दूसरी प्रकार का लीला है। इस प्रकार से तरह तरह के लीला विनोद के द्वारा जो है राधा कृष्ण की लीला का विस्तार करती हैं सखियाँ रूपवती मंजरी, और विशेष करके जो मंजरियाँ हैं सदा नित्य ही राधा जी के चरणों की सेवा की लालसा में मन में रखती हुई हैं, श्री राधा जी का कृष्ण के साथ नित्य मिलन
कराती हुई राधा कृष्ण की सेवा करने की प्रार्थना करती है। वो किस प्रकार की प्रार्थना है, एक साधक के लिए किस प्रकार से वो सेवा के लिए प्रार्थना होना चाहिए, ये कृपा करके श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने तरह तरह के ग्रंथों में हमको समझाया है। चाट पुष्पांजलि का इन्होंने नाम लिया, उत्कलिका बल्लरी है, और तरह तरह के ग्रंथों में एक साधक के मन में किस प्रकार से सेवाओं के लिए प्रार्थना जगनी चाहिए। ये लीला किस लिए, यहाँ सबको श्री गुरुदेव क्यों बुलाते और ये सब कथाएं क्यों सुनते हैं, ताकि राधा कृष्ण के चरणों में रूप मंजरी रति मंजरी जैसे या रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे सेवा की वृत्ति कैसे जगेगी राधा कृष्ण की, कैसे हम भी सेवा करें जैसे वे लोग करते हैं। इस सेवा की वृत्ति या लोभ को मन में जगाने के लिए ही श्री गुरु महाराज जी बड़े मेहनत से ये झूलन, और महाराज जी लोग भी बड़े मेहनत से ये झूलन और इस प्रकार के महोत्सव मनाते हैं, ताकि ये लोभ मन में जगे और प्रार्थना मन में जगे। ये प्रार्थना को जगाने के लिए ही ये झूलन ये महोत्सव है। इसलिए हम लोग विशेष करके कल श्री रूप गोस्वामी पाद जी की तिथि है, जिस तिथि में ये सब लालसापूर्ण बातें जो रूप गोस्वामी पाद जी ने सिखाया, समझाया, पढ़ाया, दिखाया, उन समस्त विषयों को जो है हम लगातार 3 दिन इस रूप गोस्वामी पाद की तिरुभाव संबंधित जो सभा में हम लोग विभिन्न वैष्णवों से सुनेंगे, और यही लोभ को लेकर के लालसा को लेकर के हमें वापस जाना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय गुरु महाराज की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री झूला महोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हाथ में दो इस पर रख देगा। हरे कृष्णा, ओम अज्ञानमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ये तो हिंदी ज्यादा लोग। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अस्मदे गुरु पाद पद्मनि तिला पृष्ठ जगत गुरु शिष्य भक्तिदान्त नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। समस्त उपस्थित त्रिवेणी पाद सन्यासी शिष्यमत भक्तिदान्त श्रीधर महाराज जी, भक्तिदान्त पद्मनाभ महाराज जी, भक्तिदान्त बोधेन महाराज जी, हमारे भक्तिदान्त पति पावन बोधे, इनके चरणों में और भक्तिदान्त भागवत महाराज जी, समस्त कुमारिधि और समस्त रोहिणी नंदन प्रभु, समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथाग्य दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ, उनके कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग यहीं पर, मैं बहुत साल से आ रहा हूँ और यहीं पर श्रील गुरुदेव कार्तिक महीने में वक्तृत्व देते थे। उस समय में बहुत सारी यादें हैं, जब गुरु जी आते थे। एक बार एक बहुत बड़े पंजाब जो टेररिज्म जिन्होंने ख़त्म किया, वहाँ के पुलिस अफसर आए थे, KPS गिल जी, ब्लैक कैट कमांडो यहाँ इर्द गिर्द में थे और सब पर उनकी पैनी नज़र थी। मुझे बड़ा डर लग रहा था, मैं बोला कहीं इनके पास तो सब बड़े बड़े सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स है, मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि उस समय में हम एकत्रित थे, एकता में एक शक्ति होती है। कलयुग में संगठन में शक्ति है, कलयुग है संगठन है शक्ति, जब हम एक रहते हैं तो उसमें एक शक्ति आता है, और हम विभाजित हो जाते हैं तो उसमें फिर हमारी शक्ति घट जाती है। इसलिए श्रीपाद दंडी महाराज जी ने मुझे भेजा कि बोले आप सबको सरल भाषा में ये बता दो कि विभाजन एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। हम सब लोग पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम लोग विभाजित न हों। परिक्रमा का विभाजन, रूप गोस्वामी के उत्सव का विभाजन, ये कोई भी एक रास्ता नहीं है।
क्योंकि अर्थ ही अनर्थ का कारण है। हम लोग कनक कामिनी प्रतिष्ठा त्याग करके संन्यास आश्रम स्वीकार किया है, पैसे के लिए नहीं किया है। यदि पैसा चाहते तो और बाहर भी अलग रास्ते थे पैसा कमाने का, और इससे भी बड़े बड़े मठ हम बना सकते थे। मगर मठ में हम क्यों आए हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी, ये कनक कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीन को बाघिनी कहा गया है, ये जो है हमें ग्रास कर ले सकती। इसलिए अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघश्च लौल्यम च षड्विर भक्ति विनश्यति। भक्ति को ठीक है, हाँ ठीक है, मैं बात को बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो हम लोग एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवे तो रजना सैद प्रमाणम कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। पूरी यह दुनिया हमें देख रही है कि श्रेष्ठ सन्यासी लोग गुरु वर्ग जो कर रहा है बाकी सब लोग उसका अनुगमन करेंगे। आज यदि हमारी दो परिक्रमा हो गई, कल चार हो जाएगी, परसों छः हो जाएगी, ऐसे शकलित विभाजित हम हो जाएंगे और इससे हमारी शक्ति घट जाएगी। और अर्थ इतना महत्व का नहीं है। श्रीपाद दंडी महाराज जी मुझे बोला कि बोले देखिए दुनिया में कितनी चींटियाँ हैं, करोड़ों अरबों चींटियाँ हैं, और ये जो करोड़ों अरबों चींटियाँ हैं मनुष्य की जनसंख्या उससे बहुत कम है, और उस मनुष्यों में भी आस्तिक लोग बहुत कम होते हैं जो भगवत उन्मुख होते हैं, और उन्मुख भगवत उन्मुख व्यक्तियों में भी बहुत कम लोग नारायण के भक्त होते हैं। उसमें भी नारायण के भक्तों में भी एक विरला जो होता है वो कृष्ण का भक्त होता है, और जो कृष्ण का भक्त होते हैं उसमें भी एकांतिक राधा जी के भक्त जो है शुद्ध शाक्त और कम होते हैं, और शुद्ध शाक्तों में भी जो रूप गोस्वामी के अनुगत्य में रूपानु का भजन करना चाहता है ऐसे व्यक्ति और भी कम होते, और ऐसे गिने चुने व्यक्तियों में हम लोग शामिल हैं। और उसमें जो आचार्य पद पर विभूषित अभी आचार्य पद विराजमान है श्रीपाद माधव महाराज जी है, श्रीपाद श्रीधर महाराज जी है, श्रीपाद बन महाराज जी है, श्रीपाद तीर्थ महाराज भगवत धाम चले गए, और ये आचार्य पद पर विभूषित है। और एक स्किल सब में अलग अलग प्रकार की स्किल्स है, जो तत्व सिद्धांत श्रीपाद माधव महाराज अभी बताए रूप सनातन में मैं सुन रहा था, मैं बहुत आकर्षित हो गया। जो रसकथा श्रीपाद रसानंद प्रभु बताते हैं श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, उसकी भी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। श्रीपाद बोधायन महाराज जी, श्रीपाद पद्मनाभ महाराज जी, बोधायन महाराज जी संस्कृत के प्रकांड पंडित है, गुरुदेव का अष्टकम इन्होंने रचा है। पद्मनाभ महाराज जी जब मैं अमेरिका में था तो गुरु जी को मिलने आए थे, पीएचडी कर रहे थे, अभी इन्होंने इस साल संन्यास भी ले लिया है। तो ये जो हम एकत्रित रहेंगे तो हमारा शक्ति बढ़ेगा। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटा मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक पिताजी थे, उनके बच्चे सब समय लड़ झगड़ रहे थे, तब उन्होंने बच्चों को बुलाया और सबको एक छोटी छोटी लकड़ी दी और बोला कि आप ये लकड़ी को तोड़िए, और सब ने लकड़ी हाथ में लिया और उसको तोड़ के लेकर आए। फिर पिताजी ने क्या किया, उसको रस्सी से बांधकर उसकी गड्डी बनाई और वो गड्डी सबको हाथ में दे दी, बोले अब इसको तोड़ के दिखाइए। तो कोई भी बच्चा वो लकड़ी की गड्डी को तोड़ नहीं सका। तो कहने का मकसद ये है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, कम वन कम ऑल, लेट्स बिल्ड अ चाइना वॉल। यदि हम लोग एकत्रित रहेंगे तो हम लोग पूरे विश्व में तहलका मचा देंगे। यहाँ की बात नहीं है, मैं बहुत साल पहले टेप सुन रहा था कि श्रील गुरुदेव को मिलने श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज आए थे, जो उस समय में चैतन्य गौड़ीय मठ के आचार्य थे। गुरु जी ने उनको सभापति करके नियुक्त किया रूप गोस्वामी का सभा का, और तब गुरु जी ने यही बात उठाया था कि बोले आज पूरे विश्व भर में गौड़ीय संप्रदाय का डंका बज रहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही संप्रदाय बचेगा जो है गौड़ीय संप्रदाय,
अन्य अन्य सभी संप्रदाय इस संप्रदाय के विलीन हो जाएंगे, अंतर्भुक्त हो जाएंगे। मगर आज आप मायापुर की दुर्दशा देखते हो। गुरु जी कह रहे थे कि कितना लड़ाई झगड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक केस जा चुके हैं, जिसमें सभी का पैसे का व्यय होता है और इसमें अर्थ ही कारण है कि खोड़ा मठ के कुछ कमरे इसका कंट्रोल करने का। पर हम लोग जब गुरुजी के पास में आते हैं तो दास बनकर आते हैं, स्वामी बनकर नहीं। और हम लोग अर्थ का दास न बने, उससे तो अच्छा है कि संन्यास आश्रम त्याग करके गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर ले, इतने लड़ाई झगड़ा करना है तो। ऐसा श्रीपाद दंडी महाराज जी ने भी कहा है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए मठ मंदिर में नहीं आए, हम लोग की एक पंजिका हो। आज कुछ भक्त आज उपवास कर रहे, कुछ कल उपवास कर रहे, कुछ परसों उपवास कर रहे, उसमें भी एकता नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम लोग का एक ही विचार हो, हम लोग जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। एकत्रित बैठकर हरि कथा श्रवण करने का एक अलग ही आनंद होता है। मैं तो कहता हूँ कि विभाजन करने से तो अच्छा है कि अन्य अन्य सभी मठों के सन्यासी को बुलाइए, परिक्रमा में भी बुलाइए, और हमारे जितने भी गौड़िया मठ है उन सब की एक परिक्रमा हो। क्यों ना ऐसा दिन आए कि हम लोग टूट जाए। उसे तो मैं कहूँगा कि चैतन्य गौड़िया मठ वालों को भी बुलाओ, और सभी मठ है, उड़िया मठ है, उनको भी बुलाओ। श्रील भक्ति वैभवपुरी महाराज जी का आप आइए, वक्तृत्व दीजिए, हम लोग विश्व वैष्णव राज्यसभा को स्थापित करें। मैं रूप सनातन में रुका। हरे अभी हमारे श्री वैष्णव महाराज की झूला क्या चीज है, ये झूला को समस्त सन्यासीवृंद एवं समस्त श्रोताबृंद वैष्णव भगवान सदा के दंडवत ज्ञापन कर। तो झूला हिंदोला, तो वृंदावन में जमुना के किनारे हम लोग झूलन उत्सव दर्शन कर रहे हैं। इस आँखों के द्वारा दर्शन नहीं होता है। झूलन उत्सव हम इस आँखों के द्वारा दर्शन करना कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसलिए बद्ध जीव के लिए दर्शन करने के लिए उपाय कि बद्ध जीव भी दर्शन कर सकते हैं, जो साधक भक्त है ये भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कैसे दर्शन करेंगे, ना श्रवण के द्वारा, कर्णों के द्वारा। जैसे सामने जमुना के तट में झूला हो रहा है, हम इस आँखों के द्वारा क्या दर्शन करेंगे। जमुना, जमुना में पानी भर गया और पानी भी साफ नहीं है, मिट्टी मिला हुआ है। लेकिन हम कानों के द्वारा जब दर्शन करेंगे तो कैसे दर्शन करेंगे, जमुना का जल नील है और जमुना में बहुत प्रकार कमल का वन है, नील कमल है, गुलाब का कमल है, सफ़ेद रंग का कमल है, नील और लाल रंग का कमल है, पीला रंग का कमल, अलग अलग कमल का वन है। दोनों तरफ सीढ़ी बांधा हुआ है घाट, उसका रंग कैसा है, सफेद सादा, उसमें थोड़ा सा नालीमा भाव है। और जमुना का जल नील है और विभिन्न बहुत कमल वन है। और जमुना का जो पुलिन, पुलिन वो भी सेत है, कोरपुर का दाना, कोरपुर का दाना जैसा होता है, सफेद बिल्कुल और बहुत सख्त,
बालू, जमुना का पुलिन, और उस पुलिन में पहले छोटे छोटे सुंदर सुंदर फूलों का पेड़ है, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद फलों का पेड़ है। और ये जमुना जो पुलिन है, ये फूलों का पेड़ बगीचा जो है, इसमें कदम्बों की पेड़ है, बड़े बड़े कदम्बों का पेड़ है। तो ये झूला, ये जमुना का पुलिन में, जमुना का तट में वर्णन कर रहे हैं झूला को सजाया कैसे। चार तरफ बाउंड्री है, अंदर में अनधिकारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा वाल होता है, ऐसा लोताओं से, पेड़ों से चार तरफ बाउंड्री लगाई और उस बाउंड्री को बहुत सुंदर सजाया। मनी से, मुक्ता से, विभिन्न प्रकार लोता से, फूलों से बाउंड्री को सजाया। और बाउंड्री के बाउंड्री में दो प्रकार की झूला है, एक छोटा छोटा झूला, दो बैठ सकते हैं, और बीच में बहुत बड़ा एक झूला है, बहुत बड़ा। उस झूला में सखी, बहुत सखी भी बैठ सकती है। और इतना बड़ा झूला है, दो तरफ दो कदम्ब का पेड़ है, विशाल विशाल कदम्ब का पेड़ है, बीच में वो झूला। तो झूला को बहुत सुंदर सजाने के बाद उसमें राधा कृष्ण दोनों विराजमान हो गए। आप अष्ट सखी ललिता, विशाखा ललिता, विशाखा चंपकलता, सुंदरी, ये सखियों भी झूला में सब एक एक करके उठ गई। और मंजरिया जो है सेवा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सेवा का वस्तु लेके वो भी झूला में उठ गई। कोई चावल झूला के ऊपर, कितना बड़ा झूला है सोचो, कोई छोटा झूला नहीं है। ये दो दो आदमी बैठ गया झूल रहे हैं, ऐसा छोटा झूला नहीं है, बहुत बड़ा झूला है। और उस झूला में मंजरिया सेवा कर रही है विभिन्न प्रकार, कोई चावल डुला रही, कोई पंखा, पंखा से हवा कर रही है, तांबूल फल मूल बहु बहु प्रकार से राधा कृष्ण की सेवा कर रही। राधा जी वही तांबूल लेके कृष्ण को खिला रहे, राधा कृष्ण भी तांबूल लेके राधा जी। अब सखियों भी आपस में सब तांबूल खा रही। अब नीचे विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्र और गाना नृत्य, मंजरिया सखिया लोग नीचे सब वाद्य यंत्र बजा रही है और गाना भी गा रही है और नृत्य भी कर रही है चार तरफ। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बीच में राधा और कृष्ण, इधर सखी, इधर सखी, दोनों तरफ सखी, अपूर्व झूला, बहुत मनोरम सजाया उसको। और नीचे जो सखी आती वो धीरे धीरे झूला झूलाने लग गई, धीरे धीरे झूला झूल गई। अब धीरे धीरे झूलाते झूलाते कृष्ण ने क्या करे, कृष्ण थोड़ा झूला का जो गति बढ़ा दिया। अब झूला का गति जब तेज हो गई तो सखिया जो है साइड में सब हट गई। और कृष्ण ने किया, जितना वहां पर गतियां थी झूला में उतना ही रूप धारण कर लिया, सब गोपियों के पास कृष्ण विराजमान हो गए झूला में, सिर्फ राधा जी के पास नहीं, वहां पर ललिता विशाखा अष्ट सखियां थी, सबके पास भी कृष्ण खड़े हो गए। और अष्ट सखियों को साथ राधा कृष्ण दोनों भी उस प्रकार झूला में झूले, जैसे रास नृत्य होती है, झूला भी उस प्रकार एक रास नृत्य जैसा है। तो उसी प्रकार झूला झूल रही, धीरे धीरे झूला झूलते झूलते महाराज जी कहते थे, ये पवदानंद कवि कर्णपुर वर्णन कर रही है, तो महाराज जी कहते थे झूला धीरे धीरे झूलाते झूलाते पेड़ का जो शाखा है इतना तेज झुलाने लगी। कृष्ण का क्या इच्छा है, कृष्ण का इच्छा है, कृष्ण का अंदर क्या भाव है, दाक्षिण भाव, और गोपियों का अंदर क्या भाव है, बामो भाव। बामो मतलब कृष्ण से थोड़ा दूर हटती है और कृष्ण गोपियों को सामने जाती है, और गोपियों कहती हटो हटो सामने से हटो,
अब कृष्णा चाहती है कि ये गोपियाँ वामा भाव ग्रहण करके हमको आलिंगन करें, राधा और गोपियाँ सब मिलकर ऐसा तो आलिंगन नहीं करी। इसलिए झूला को इतना तेज झुला रहे हैं कृष्णा पेड़ के शाखा में उठा, और इधर झुलाते झुलाते पेड़ की शाखा में, और राधा जी गोपियाँ क्या करूँ करेगी उस समय, डर से भाई से कृष्ण को पकड़ लिया छोड़ नहीं, अरे चिल्ला रही रोको रोको झूला कृष्ण, लेकिन कृष्ण रोकने वाले तो है नहीं, कृष्ण तो यही चाहते हैं झूला का उन उद्देश्य के कि ये हमको ये वाम भाव को छोड़ के दाक्षिण भाव ग्रहण करके हमको आलिंगन करे हमसे मिले। तो ये झूला का जो राधा कृष्ण का बोलते राधा कृष्ण एक तनु एक ही है लीला आसादन करने के लिए दूर, तो ये झूला उस समय राधा कृष्ण जो है एक विग्रह हो जाते हैं, दोनों का मिलन एक हो जाता है। जय निदाय गौर परमानंदे हरि हरि बोल। तो ये वृंदावन ये यमुना तटे इस प्रकार झूला उत्सव हो रहा है, और फिर जितना गपिया थी कृष्ण किसी को भी छोड़ा नहीं, चार तरफ झूला है, छोटे छोटे झूला है चारों तरफ बड़े सुंदर, कृष्ण कोई गोपियों को भी छोड़ा नहीं, सब गोपियों का साथ उसने झूला उत्सव किया। ऐसा नहीं भाई ये कृष्ण तो छोड़ने वाले हैं नहीं, लेकिन मंजूरिया जो है ना ये सेवा परा है, ये सेवा में मत रहती है मंजूरियों, कृष्ण के साथ मिलन उत्सव ये नहीं चाहती है। मंजरी का भाव क्या है ना, मंजरी के छोटी छोटी ये सेवा में मत रहती है, लेकिन कृष्ण महा चतुर है, ये महा धूर्त भी है चतुर है, ये छोड़ने वाले हैं नहीं, मंजरी को भी कभी कभी पकड़ लेती है, इसको भी छोड़ती नहीं है। तो कुंज के अंदर एक समय क्या हुआ, सब गोपियाँ है, कृष्ण गोपियों को मधुपान करा रहे थे, मधुपान करा रहे थे तब, और मंजरिया सब मधु दे रही थी। अब मधुपान करने से क्या होता है, थोड़ा स्वाभाविक अवस्था नहीं रहता है, तब कृष्ण चाहते हैं कि मंजरियों को हम मधुपान कराए, लेकिन इधर क्या हो कुंदलता, कुंदलता कौन है, कृष्ण की भाभी है कुंदलता, ने क्या किया तो बाहर से कुंज का दर्जा बंद कर दिया, कुंज का जो दरवाजा होता है बंद कर दिया, और कृष्ण ने मंजरी को पकड़ लिया ये तुम लोग भी मधुपान करो, क्यों ना मधुपान करने से स्वाभाविक अवस्था नहीं रहता है। अब उस समय कृष्ण का कृष्ण अपनी मन की इच्छा जो मर्जी करे, तब लेकिन मंजरिया मधुपान नहीं करेगी, वो जानती है हम मधुपान करेंगे तो सेवा में वंचित हो जाएंगे, हम सेवा नहीं कर पाएंगे, इसकी सेवा ही परम धर्म है, सेवा छोड़ के दूसरा कुछ नहीं चाहती मंजरी भावे, लेकिन कृष्ण ने मंजरी को जबरदस्ती पकड़ के मधुपान कराने लगे, किसी को आलिंगन चुम्बन करने लगे, तो फिर मंजरिया रोने लगी, जब नहीं 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 हम तो इधर उधर भागने लगी। तो ये मंजरी भाव है, मंजरिया का ये भाव है, क्या भाव है, वो राधा कृष्ण की सेवा छोड़ के स्वतः वो कृष्ण के साथ मिलना नहीं चाहती है, लेकिन सखी जो है ये सखी जो है कृष्ण के साथ मिलती भी है, इसके अंदर नायिका भाव भी है और सखी भाव भी है, तो सखियाँ मिलती है, राधा जी चाहती है ये सखियाँ रोज हमको उलाना देती है, ये तुम सखिया राधा जी को क्या बोलते, तुम खूब सती है ना, पर पुरुष के साथ नहीं रहती है, रात भर कृष्ण के साथ यहाँ पर कुंज में थी, ऐसा सखिया विभिन्न प्रकार उड़ाना देती है, तब राधा जी चाहती है कि सखियों की भी ऐसी अवस्था ही अवस्था हो, तो राधा जी कृष्ण को कहा कि कृष्ण तुम मेरे साथ जैसे विहार किया है लीला किया है सब सखियों के साथ ऐसे ही लीला करो, तो राधा जी का आदेश मानते हुए कृष्ण कुंज से निकल गए,
और निकालने के बाद कृष्ण मन मन में विचार किया, मैं किसके पास पहले जाएंगे। मन मन में विचार किया जब मैं सबको साथ एक साथ ही जाएंगे, जितने सखिया है सबको पास एक साथ ही जाएंगे। कृष्ण शुद्ध मन में विचार किया, कृष्ण ने रूप धारण नहीं किया, कृष्ण ने मन में विचार किया सबको जितना सखिया है सबका कुंडों में मैं एक साथ जाऊंगा। साथ साथ कृष्ण की जो योगमय शक्ति है कृष्ण का उतना ही रूप प्रकट कर दिया और सब सखियों को साथ कृष्ण विहार किया। तो इसी प्रकार ये झूला लीला है, झूला लीला में भी कृष्ण सब सखियों को साथ लेके अलग अलग झूला में सबको लेके एक साथ झूला उत्सव किया। ये महा महा रास लीला जैसे निदाय वंदे हरि हरि जय राधा कृष्ण की झूला उत्सव की जय। महाराज जी आप बोलेंगे कुछ तो आरती में आरती। हरे कृष्णा वेणुगोपाल प्रभु, वेणुगोपाल प्रभु, वेणुगोपाल आरती आरती आरंभ करो। बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.